हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, हमारा आज हम लोग देखिए जा रहे हैं मार्केट से भुट्टा खरीदने। बरसात का समय आ गया है और यहाँ पे लगातार बारिश डेली हो रही है, तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट से भुट्टा खरीदेंगे। भुट्टा खरीद के लेकर आएँगे, फिर इडली वाले भैया आएँगे तो इडली खाया जाएगा, क्योंकि आज हम लोग उनका प्लान है कि आज हम लोग भोजन नहीं बनाएंगे। आज पूरा दिन इसी तरह बीतेगा, मौज मस्ती में खेलेंगे कूदेंगे, भुट्टा भूजेंगे खाएंगे, यही सब रहेगा। तो आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए, पूरे वीडियो को देखिए किस प्रकार से भुट्टा हम लोग भूजेंगे बनाएंगे खाएंगे। और इडली वाले भैया आएंगे तो इडली में हम लोग आपको दिखाएंगे इडली में क्या क्या पड़ता है, कितने मेहनत से लोग इडली बनाते हैं। 3-4 बजे भोर से ही लोग काम करते हैं, सुबह दोपहर 2 बजे तक लोग भूज करके मार्केट में बेचते हैं। तो इसी तरह हमारे ब्लॉग में बने रहे। क्यों इधर का भुट्टा कैसे ये वाला ज्यादा महंगा दे रहे हैं? 40 रुपया किलो कैसे चढ़ा? हाँ दाना है ना, समय दाना है क्या दोस्तों, आप देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर भुट्टा भूजने। जो अभी हम लोग भुट्टा खरीद के लाए हैं उसको जा रहे हैं भूज करके खाने के लिए। यदि आप लोग को भी खाना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भैया है जो कि आग जला रहे हैं यहाँ लकड़ी लगा करके, और इसी पे भूजा जाएगा। भूजने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा भूजने में, भूजने के बाद खाया जाएगा। बरसात का ये सीजन का पहला भुट्टा है, देखा जाता है स्वाद कितना बढ़िया है इसका। और अभी आगे दिखाते हैं, अभी देखिए ये डीजल डाल रहे हैं इसमें हल्का सा, क्योंकि यहाँ तो सरकार ने पेट्रोल सॉरी मिट्टी तेल तो बंद कर दिया है, केरोसिन जिसको बोलते हैं। और तो यहाँ पर क्या किया जाए, डीजल से लोग यूज करते हैं, डीजल ले आ करके और कुछ जलाना होता है तो उसी जो लकड़ी जलाने के लिए डीजल का प्रयोग किया जा रहा है, या तो प्लास्टिक वगैरह ये सब लगाया जाता है। बस देखिए आग जल चुका है, अभी इसमें थोड़ी देर में इस पर रखा जाएगा भुट्टा। ये भैया छील रहे हैं भुट्टे, तो छील रहे हैं, ले बेटा इसको ले। धुआं बहुत तेजी से लग रहा है, लेकिन क्या करें, खाने का मन है तो भाई। हाँ रखो भुजा जाए, इसमें का तिल्ली लाओ, मम्मी से कहो कि वहाँ पे दो तिल्ली। देखिए भुट्टे को भुजने के लिए भुट्टे में एक सीख कोच रहा है, उससे पकड़ पकड़ के भुजेगा, क्योंकि हाथ जल जाएगा, इसीलिए जो है उसमें खोस करके भुजा जाए, भुजने के लिए जुगाड़ बना रहे हैं। ये देख सकते हैं भुजा, लौका नहीं क्या बोलते लड़का खोज लू नहीं वो झटके में। आग जल चुका है, बस आग का जो है कि आँच का इंतजार है कि आँच हो जाए तो इस पर रखा जाए। भुट्टे को छील कर रख दिया गया है, वो लड़की भुट्टा लेके बैठी हुई है। देख सकते हैं भुट्टा है, देखिए और लकड़ी आ गया, लकड़ी लगा करके रखा जा रहा है ताकि खुने का हो। उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ, तो भैया कितना देर लगेगा इस भुट्टे को होने में? अभी तो देखिए भैया ये भुट्टा जो है एक साथ 4 भुट्टों को भूजा जा रहा है। 5 है खाने वाले कठो है, खाने वाले यहाँ लगभग 10-12 लोग हैं। हम ही अकेले तो। और एक चीज आप लोग को दिखा रहा है, देखिए खाने के लिए कितने लोग लाइन से यहाँ बैठे हैं, आपको दिखा रहा है। ये देखिए एक यहाँ बैठी है, एक यहाँ कुर्सी पे, और मेरे पेट में दर्द है, भुट्टा नहीं। ये तो नया प्रॉब्लम है, ये देखिए बढ़ रहा है, ये पूजा रहा है भुट्टा।
मत डाल खाना कोई पेट दर्द करे दर्द करे चाहे दाद तू कोई के देबो करबू ना तू अपन लेबो ना हम देबे ना कर चले को का अरे भाई लोग आप लोग देखे भुट्टा खाने के लिए बीच में लड़ाई ना करें लड़ाई हो का रहा है खाने की बात हो रही है हां जबड़ रहा के हम खाएंगे ओकर हम नहीं खाएंगे ऐसा थोड़ी चलेगा नहीं देंगे हां ये देखे एक ये सब बच्चे मस्ती कर रहे हैं अपने में चार पांच हमको लग रहा है कि 10 मिनट में भुट्टा तैयार हो जाएगा पतला होता है आग लग गया कहां लग गया आग बे एक रह के ना कपड़े एक के साथ ले लियो करे करे कुछ कुछ के अंदर बात देख सकते हैं कि हम लोग का आधा भुट्टा बुझा चुका है मतलब आधा हो चुका है आधा बचा हुआ है वही पक रहा है देखिए अभी तो 2 मिनट में खाने लायक हो जाएगा आप लोग वीडियो में इसी तरह बने रहे आगे का वीडियो देखते रहिए किस तरह से बनता है किस तरह से हम लोग खाएंगे इसमें नींबू नमक मिर्चा लगा करके खाया जाएगा ताकि स्वादिष्ट हो और आप भूख लगा था इडली वाले आ गए एक ले इडले करते करते कभी का इंतजार कर रहे थे क्या आ जाए इडली वाले तो लोग इडली खा जाए तो देखे भुट्टे को भूज भूज करके उसको साफ कर रहे हैं साफ करेंगे उसके बाद हल्का सा आँच रहेगा तो उसमें जो हल्का हल्का गर्म मतलब और भूजेंगे ताकि एकदम लाल हो जाए खाने लायक हो जाए फिर उसमें नींबू और नमक लगा करके उसको लोग खाएंगे आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे वीडियो को आप लोग देखिए ज़्यादा ज़्यादा देखिए लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे यहाँ आ रहे हैं इडली वाले भैया पेट में चूहा कूद रहा था उनसे सोच रहे थे कि इडली वाले आए तो इडली खाया जाए देखिए आ रहे हैं अभी आप लोग इडली वाले भैया से भी मुलाकात करते हैं उनसे भी उनका भी आज इंटरव्यू लिया जाएगा देखते देते हैं कि नहीं देते हैं ऑनलाइन ये देखिए इडली भैया इडली वाले भैया हैं भैया आप इडली सुबह कितने बजे निकलते हैं भैया हमारा काम 6 बजे निकलना है सुबह 6 बजे अब बनाते कब बनता हूँ रात से ही है 3 बजे अरे बाप रे बाप 3 बजे भोर से लोग बनाना चालू करते हैं सुबह 6 बजे बेचने निकलते हैं देखिए तो गरीबी में ये हाल है कि साइकिल पे घूम घूम के इडली बेचना पड़ रहा है क्या करेंगे मजबूरी है मोदी जी की सरकार है मोदी जी बोले ये देखिए खुद का धंधा है सरकारी धंधे से अच्छा है नौकरी से अच्छा है सरकारी धंधे का काम से अच्छा है कि अपना खुद का बिजनेस करिए खुद कमाइए खुद किसी के आधारित नहीं रहेंगे देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की बड़ाई हो रही है कि मोदी जी इतने अच्छे आदमी है कल आए थे बनारस लेकिन बनारस से वापस चले गए हम लोग से मुलाकात नहीं की है ये प्लेट पेटी लगा लग चुका है बस अभी खाएंगे देखिए हम लोग का इडली ये साउथ इंडियन है जो पहले साउथ में चलता था लेकिन धीरे 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 बनारस और लगभग सारी जगह पर फैल चुका है अभी बहुत जगह ऐसा जगह है जहाँ पे ये चीज़ नहीं मिलता अभी हम एक दिन गए थे गोरखपुर अपने गांव पे तो वहाँ पे जो है इडली के नाम के लोग जानते ही नहीं कि इडली है क्या चीज़ जो कि गोरखपुर बहुत फेमस जगह है लेकिन फिर भी लोग नहीं जानते वहाँ पर तो हम सोचते हैं कि इसी तरह का सब चीज़ सीख करके चले वहीं पर धंधा किया जाए अब बहुत मस्त चलेगा और ये बनता है चावल को भुजिया चावल से और चटनी इसका बनता है ये चने के दाल को पीस करके और उसके बाद हरा दाल इसमें सतुआ मिक्स रहता है ये चावल की इडली बनता है इसमें उड़द का दाल रहता है सब मिक्स चावल रहता है तब जाके इडली बनता है इसमें वेरी गुड रात अच्छा खाली चावल ही रहता है वो तो बोले तो है उड़द का दाल भी रहता है हां मतलब के लिए रहता है सात चीज मिक्स करके इसको बनाया जाता है ना सरसों डाल पांच किस्म का चावल रहता है भुजिया रहेगा अरवा रहेगा नया चावल रहेगा बहुत किस्म का मतलब तेज पत्ता गिर रहा है ना अभी भैया इतना अबे अबे बस हाँ बोलो नहीं खाओगे इडली सुधा खा रही है सुधा का इडली में तेजपत्ता गिर गया सजन का पत्ता गिर गया है उसको बना रही है तेजपत्ता ही है और इधर देखिए भुट्टा पत्ता के ना कड़ी पत्ता तेज पत्ता नहीं इसे इडली दीजिए भैया ये लल्ला मेरा इडली मांग रहा है इडली दीजिए हमको भी खाने के लिए ना 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 और इधर देख सकते हैं भुट्टा भुजा के तैयार हो चुका है भुजा करके और इसको आप बस इडली खाने के बाद भुट्टा खाया जाएगा ताकि अच्छा लगे तो दोस्तों देख सकते हैं कि भुट्टा भुजने का इडली खाने का सारा मजा हो गया बेकार अब क्यों हो गया अभी आप लोग को वीडियो में आके दिखा रहे हैं क्यों हो गया ये देख सकते हैं भुट्टा भूज करके मिला पर देख सकते हैं भुट्टा भूजने का खाने का मजा किरकिरा हो गया क्योंकि यहाँ होने लगा बारिश क्यों बारिश में ही तो पसंद है भुट्टा बारिश में पसंद है बट जो है कि जैसा भूजना चाहिए वैसा भूज नहीं पाया वैसा मजा नहीं हो पाया लोग घूम घूम के खाते पीते मस्ती से खाते लेकिन सारा काम गड़बड़ हो गया और आप लोगों को आगे दिखा रहे हैं अपने बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं वीडियो में बारिश में
देखिए बारिश हो रहा है यहाँ पर, कितने मस्ती से नहा धो रहे हैं लोग। आपका नाम दाने दाने पर लिखा रहता है खाने वाले का नाम, और इस दाने पर लिखा है आपका नाम, इसलिए इसको आप खाइए। ये देख सकते हो इडली वाले भैया को भी दे दिया गया खाने के लिए। और ये देखिए कितनी सब मस्ती कर रहे हैं, बारिश हो रहा है, इतना ज़बरदस्त यहाँ बारिश हो रहा है कि पूछिए मत। और यहाँ पर सब भुट्टा खाते हुए डांस नाच रही हैं, बारिश में नहा रही हैं। एक भाई साहब देखिए तो वहाँ घर में से छुप करके खा रहे हैं ताकि इनको कोई देखे ना। उस दरवाजे के पास देखिए बारिश को जैसे मोबाइल लेकर बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि मोबाइल में अगर बारिश पानी चला जाएगा तो हमारे मोबाइल में चला टाइट टाइट फिस हो जाएगा, इसलिए ये देखिए इसका मस्ती में। और देखिए डांस भी लोग कर रहे हैं, या क्या मज़ा है, इतना अच्छा मौज मस्ती से देखिए सब नहा धो रहे हैं, मज़ा आ गया। बारिश हो गया तो लोगों को आनंद ही आनंद आ गया। ये देखिए कुर्सी पर बैठ के खाएगी, इसका अलग का पैटर्न है। और यहाँ पानी का इतना समस्या है कि लोग बाल्टी में पानी रोक रहे हैं, इस पानी से बाथरूम वाथरूम जाने का काम आएगा। रिम रिम बरसे सावन होगा। अब देखिए सारे बच्चे नहा करके मस्ती से कर रहे हैं मस्ती। देखिए एक नया लड़का आ गया नहाने के लिए, ये देखिए इसका नाम है सूरज, भाग गया डर के मारे भाग गया। देखिए सब यहाँ पे सफाई वफाई भी कर रहे हैं, उसी पानी से द्वार साफ हो जाएगा, झाड़ू लग जाएगा। एक तो नहाने वाली ये है सब, ओए हो गया। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितने मस्ती से सब साबुन लगा के नहा रहे हैं, सब देखिए साबुन लगा के सब नहा रहे हैं। क्या जी मज़ा आ रहा है नहाने में, पानी भी बच गया और नहान भी पूरा हो गया। नहीं तो ऐसे जाके चापाकल से पानी लेकर नहाना धोना ये सब ठीक नहीं लगता है, क्या करें यहाँ पानी नहीं आने को, जैसे सब लोग बाल्टी धो करके पानी लाते हैं, बड़ी मेहनत लगता है। और यहाँ सब देखिए कुछ पानी भी स्टोर कर ले रहे हैं, भगवान का कृपा है कि आज बरस गए तो कुछ पानी स्टोर हो जाएगा जो कि लैट्रिन बाथरूम में काम देगा, कपड़ा कचाने का काम दे जाएगा। और ये देखिए पानी किसे रोक रही है, ऊपर से रोक रही है कि दूसरे का पानी न भरे, बड़ा दिमाग लगा उससे ऊपर। देखिए ये पानी भरने के लिए लड़ाई हो रहा है। ए, तुम ना एक लोग चौघड़िया लगा के चढ़ जाओ सबसे ऊपर। ये देखिए ये कुर्सी लेके जा रही है, कुर्सी के ऊपर चढ़ेगी उसके ऊपर से पहुंचाएगी। और यहाँ देखा यार राजा, हाँ कुर्सी लगा दे, कुर्सी लगा चलो, अरे कुर्सी टूट जाए, कुर्सी टूट जाए। अरे देखा भाई साहब कहाँ से पानी ढोक ले आओ तुम, ये देखा कपारे में बाल्टी में पानी ढोक रखे। ये देखिए देख रहे कितने मेहनत से बाल्टी में पानी ढोक ला रहे हैं, कम से कम 1 किलोमीटर दूर गए थे पानी लाने के लिए। और यहाँ गड्ढे में पानी भर गया, उसको साफ करके यहाँ निकाला जा रहा है कि पानी पास हो जाए, नहीं तो यहाँ पे बहुत हिल्ला किच्चा हो जाएगा, इसलिए पानी को पास कर दिया जा रहा है। आवा तानी पानी भर ला दोस्तों, हम बरसात का पानी से रोक रहे हैं, इसमें सब कुछ काम आ जाता है, पानी का नहाना धोना हगना मुझना सब। भगवान बंद हो गए, क्या करें बताइए, बारिश बंद हो गया, बाल्टी का पानी लिए इसको ऐसे डालेंगे। आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।